We are in Singapore. इसकी आंखें नहीं खुल रही धूप में. स्मेल है? क्रूज भी स्टार्ट होता है. ठंडी हवा आती है. गुड मॉर्निंग. आज है डे 4 इन सिंगापुर और आज का मौसम देखिए, जैसा कि वेदर प्रेडिक्शन में आया था कि आज क्लाउडी है. ये जैसे कृष्णा. आज पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज. वहाँ पे तुमको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी कलरफुल चीज़ें दिखेंगी. नहीं वो हाँ, बहुत सारे तुमको वहाँ पे कार्टून कैरेक्टर्स टॉयज दिखेंगे. मीनवाइल अंगद नीचे से ब्रेकफास्ट लेके आ गया. नीचे जाकर खाने का आज भी नहीं हो पाया जुगाड़. क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पे हमारा नाश्ता चलेगा तो नीव यहाँ पे लेटेगा. यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए स्पेशली मैं नीव के लिए ये वाला ड्रेस लेकर आई हूँ. बहुत ही अच्छा कलरफुल सा है ना, तो उस पर अच्छा लगेगा. फुल रॉम्पर है और ऊपर में ये वाला स्पेशल कैप लेके आई हूँ. ये भी इसके साथ अच्छा लगेगा. अब ये कैप तो देखिए थोड़े बड़े बच्चों वाला कैप है. ये नीव कितना देर पहनेगा मुझे नहीं पता. नीव रेडी, अंगद रेडी. और अंगद आज सबसे ज्यादा थीम पे है क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो में अंगद मार्वल का टी शर्ट पहन के जा रहा है. तो आज डाला है ये हॉट पैंट्स. फिलहाल 3 दिनों से सिर्फ और सिर्फ मैं जीन्स या पैंट्स वैसे वाला कैरी कर रही थी. अभी 2 दिनों के लिए हॉट पैंट्स लाई हूँ अलग अलग. ये वाला जो टॉप है ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था. ये वाला शॉर्ट्स मैंने नया लिया है एंड फिटिंग विटिंग भी जो है सही आई है. बस अभी हम लोग फटाफट नाश्ता करके रेडी हो रहे हैं क्योंकि निकलना है. हमारा टारगेट है कि हम लोग 10:30 तक निकल जाएं. हमारे रूम से लगभग 20-25 मिनट्स का ही डिस्टेंस है यूनिवर्सल स्टूडियो का. हमने इसी हिसाब से ना ये वाली बुकिंग करी थी कि सब कुछ पास है, मतलब 20-25 मिनट से ज्यादा दूर तो कुछ भी नहीं है. और जो मेन एरिया है वो तो यहां से 15 मिनट लगता है, तो उस हिसाब से सही रहता है. वरना कि आपका ट्रेवल डिस्टेंस बढ़ेगा, टैक्सी फेयर बढ़ेगा, टाइम जाएगा, क्यों कर देगा. एनीवेज तो हाँ, हमारा टारगेट है कि हम 10:30 तक निकले ताकि 11 बजे तक पहुंच जाए. यूनिवर्सल स्टूडियो और आज का मौसम भी ऑसम है, बिल्कुल धूप नहीं है. फिलहाल तो नीबू सो रहा है, कोई नहीं, थोड़ी देर बाद उसको उठना ही है. पर ये क्या सही लग रहा है माहौल इधर का. और वो रहा द फेमस यूनिवर्सल स्टूडियो का ग्लोब, जहाँ पे फोटो खिंचवाना मैंडेटरी है. पता है अंगद, उसके नीचे से मिस्ट आता है. देखो नाइस, ऊपर आइसक्रीम जैसा. हाँ, और आज एक्चुअली ट्यूसडे है, फिर भी रश देख लो आप, वीकेंड को क्या हाल होता होगा. और इसीलिए स्पेशली हम लोग वीकडे को आए. यहाँ से टिकट लेना है, 3 चीज़ें, या तो आप सी एक्वेरियम का लो या यूनिवर्सल स्टूडियोज एडवेंचर कोव. तो आज हम लोग इसका ले रहे हैं, ये वाला कल जाएंगे. नीबू बिल्कुल सही टाइम पे सोकर उठ गया. बिल्कुल यूनिवर्सल स्टूडियो के साइन के नीचे पापा मम्मी के साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं. और नीबू का कैप तो देखो जरा, कितना प्यारा कैप है नीबू, तो बहुत ही प्यारा कैप लग रहा है. यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर एंटर हो रहे हैं यहाँ से. अभी तक यहाँ पे फोटो वोटो सब लोग कर रहे थे. अंगद प्लान कर रहा है इनमें से रोलर कोस्टर करने का, वो वाला सबसे खतरनाक वाला. तो मैं और नीबू इधर कहीं पे वेट कर लेंगे और अंगद अपना कर जाएगा. वैसे भी मैं तो करती हूँ नहीं, तो भी गया है इंक्वायरी करने. एक बार आप टिकट लो तो ये सब फ्री है. मैं और नीबू यहाँ पे वेट कर रहे हैं पापा का. पापा गए हैं उधर. आज का ना मौसम तो अच्छा है, फिर भी ह्यूमिडिटी है, मतलब पसीना तो आता है.
पर धूप नहीं है, वो अच्छी बात है, वरना धूप और पसीना और प्रॉब्लम होती है, पर धूप नहीं है। हमने ना वेदर फोरकास्ट देखा था कि किस दिन सबसे अच्छा मौसम है, तो आज का आया था, तो हमने आज के लिए यूनिवर्सल स्टूडियो रखा था। बहुत अच्छा था। डर लगा? हाँ थोड़ा, स्टार्टिंग में ही एकदम फुल ड्रॉप आ जाता है, फिर तो नॉर्मल है। बताया बड़ा जल्दी हो गया। हाँ जल्दी हो गया, मुझे लगा आधा पौना घंटा हो गया। आधा पौना घंटा में हो गया, 40 मिनट बोला था। हमें अपना इंडियन मिल गया है, देखिए समोसा है, बिरयानी है, सब कुछ है, तो सोच रहे हैं आज यही खाए। दो दिन से तो इनका लोकल ही हम लोग खा रहे हैं, कुछ ना कुछ आज अपना घर का खाना खाया जाए। तो खाली खाली भी है थोड़ा, और प्रॉपर बैठने की जगह है, यहाँ पे सारे इंडियंस ही मिलेंगे, देख लीजिए। आ हाँ एसी है मस्त, कितना अच्छा ठंडा एसी है, बहुत अच्छा है। 1 बज गया, एकदम लंच टाइम हो गया। हाँ बिरयानी के साथ छोले भी दिए है, दाल भी है, दाल भी है, एक ये है और एक में सब्जी भी है। ये वाली बटर चिकन बिरयानी है और ये वाली ग्रिल चिकन बिरयानी है। डायनासोर अच्छा लग रहा है हमको। अभी अंगद जा रहा है इस क्यू में लगने के लिए, एक राइड है जो ऐसे ऊपर से होकर जाती है डायनासोर वाली, उसके लिए अंगद जा रहा है यहाँ पे। देखो पापा उधर जा रहे नीवो, हाय पापा हाय कर रहे नीवो को, हाय हाय कर रहे पापा। ये भी यहाँ पे सो गया और अंगद अभी वहाँ पे गया है, क्यू में ही है अभी तक। चलिए अंगद का हो गया, अब मेरी बारी है, मैं लगी हूँ लाइन पे, तो पहले अंगद ने किया, अब मैं करूँगी। नीव सो रहा है तो अंगद और नीव बैठेंगे और मैं करूँगी। लाइन अभी इतनी ज़्यादा नहीं है तो फटाफट पे हो जाएगा, और ये वाला ना देख के उतना डर भी नहीं लग रहा है। ओके ओके हाइट पे है पर ठीक है। अंकद वेट कर रहा है, अंकद और नीव। बहुत मज़ा आया, और पता है बेस्ट पार्ट क्या था, बारिश हो रही थी, आप देख रहे हो मैं पूरा भीग चुकी हूँ, और इतना मज़ेदार था ना, मतलब हाइट बहुत ज़्यादा थी, पास भी था मतलब ठीक था, और इतना ज़्यादा बारिश में ना बहुत मज़ा आया। बारिश की वजह से ना डबल फन हो गया, और एकदम पूरे मुँह पे छींटे आ रहे थे। ये देखो ये वाला किया मैंने, वाह मस्त। नीव सो रहा है अभी भी, चले चलो। अंकद जा रहा है एक और रोलर कोस्टर राइड पे, बहुत ही कम लाइन है। स्टूडियो हमारा पूरा घूमना हो गया, अब हम लोग आए हैं यहाँ पे थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह एंजॉय करने के लिए। थोड़ी देर में नीव का भी फीड का टाइम हो जाएगा, तब तक हम लोग आइसक्रीम एंजॉय कर लेते हैं फटाफट। यूनिवर्सल स्टूडियोज हमारा हो गया, हालत तो आप देख रहे हैं, थकान हो गई है, बज रहे अभी लगभग 4। दोनों मस्त मज़े से सो रहे हैं, मतलब अगर इन लोगों को स्पेशली अंगद को अगर 15 मिनट की भी नैप मिल जाए ना तो फ्रेश हो जाता है। और नीव का तो भी सोने का टाइम था ही, तो वो भी साथ में सो गया, पर मुझे अब इसको उठा के फीड भी कराना है और साथ में डायपर भी चेंज करना है, तो मुझे उठाना पड़ेगा, फिर आधे घंटे के अंदर ना हम लोग निकल जाएंगे। गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं अभी 5:30, और यूनिवर्सल स्टूडियो से हम लोग यहाँ घर वापस जो है वो 4:15 तक आ गए थे। एक्चुअली मैं ये सोच कर गई थी ना कि पूरा दिन और शाम भी लग जाएगा, मतलब 7:30 तो हो ही जाएगा वहां पर वैसा है नहीं, क्योंकि अभी हम लोग नीवू के साथ उतने राइड्स पे तो अंगद चढ़ नहीं पाया, उतना कुछ कर नहीं पाए, तो इन टोटल अंगद 4 राइड पे गया, 1 राइड पे मैं गई, और ओवरऑल अच्छा लगा, खाया पिया वहां पे घूमा फिरा, और वो हमारा 4 बजे तक डन हो गया। फिर हमने डिसाइड किया कि काम करते हैं, जाते हैं चाइना टाउन, एक जगह है वहां पे शॉपिंग एरिया है थोड़ा सा, वहीं पे रात को खाना वाना खा के आएंगे, पर वहां डायरेक्टली नहीं जाते हैं, पहले रूम आते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, फिर आराम से जाते हैं। पर यहाँ की बेस्ट पार्ट ये है ना सिंगापुर की, एक छोटा सा आइलैंड है,
तो कहीं भी आपको कम्यूट करना हो ना तो टाइम नहीं लगता। जैसे हमारे रूम से हम लोग गए यूनिवर्सल स्टूडियो, जाने में लगा हमें 20 मिनट, फिर वहां से यहाँ आ गए, अभी यहां से चाइना टाउन हमें जाना है लगेगा हमें सिर्फ 7 मिनट। तो इतना कम ड्यूरेशन है ना कि वो आप कवर आराम से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा रास्ता है, ट्रैफिक भी नहीं है, तो इजिली मैनेजेबल होता है। तो वहां से हम लोग घर आ गए, मैं आकर सबसे पहले मैंने शावर वगैरह लिया, चाय पिया, अंगद और नीव थोड़ा सा सो गए हैं, नैप ले रहे हैं, अभी नीव को मैं उठाऊंगी, फीड कराऊंगी और उसका डायपर वगैरह फिर से चेंज करके फिर हम निकलेंगे चाइना टाउन के लिए। चाइना टाउन, क्योंकि अभी चाइनीज न्यू ईयर था ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा से डेकोरेशंस वगैरह है और हमें इस लेन में जाना है ना। वहाँ पे आगे एक टेंपल है, टेंपल है, चाइनीज टेंपल है। चलो एक टेंपल देखेंगे और फिर हम लोग डिमसम्स ढूंढेंगे, कुछ ट्रेडिशनल डिमसम्स। शॉपिंग एरिया आ गए हम लोग, बहुत सारे मैग्नेट्स है, हमने कल जो मैग्नेट लिया वो ये वाला है सिंगापुर। यहाँ पे भी है, हाँ ये भी अच्छा है, अरे हाँ ये भी अच्छा है। नींबू को पता है क्या मजा आ गया, ये कलर कलर देखकर नींबू को मजा आ गया है ना। नींबू कितना सुंदर कलर है, कितना सुंदर कलर है नींबू, वाह लुकिंग लाइक अ वाह नींबू। ये नींबू को इतना पसंद आया ये सब कि हमने खरीद दिया नींबू को। नींबू वाह कितना प्यारा है। एक बार ही बेज ट्राई करो, ऊपर वाला नहीं उसके बाजू वाला ग्रे, हाँ नहीं वाइट देखो, वाइट शेप ही नहीं, शेप नहीं अच्छा ना। क्या चश्मा पहना है अंगद ने, हे भगवान मस्त लग रहा है, देख कितना छोटा सा है, सिर्फ आंख के साइज का। ये यहाँ का फेमस फ्रूट है, ऐसे काट काट के भी दे रहे हैं ट्राई करने को। अंगद तुमको फ्रूट ट्राई करना है, ये फ्रूट ट्राई करना है, नहीं स्मेल है, स्मेल है, चलो में से हमें पसंद आया है एक ही चीज, वो है नूडल्स, तो हम लोग ये वाला चिकन नूडल्स ट्राई करेंगे। मन था डिमसम्स खाने का पर उसमें चिकन है ही नहीं ऑप्शन, सारे में पोर्क है, ठीक है चिकन वाला नूडल्स ही खाते हैं। चलिए नींबू यहाँ पे खेल रहा है, देख रहा है, सब कुछ सीख रहा है। चलो अच्छी जगह मिली, नहीं बहुत अच्छा, अच्छा है। आ गया हमारा नूडल्स जो मैं ढूंढ रही थी, कल भी मिला था पर कल फ्लैट नूडल्स था, नहीं कल फ्लैट नूडल्स, आज नॉर्मल नूडल्स है। हम लोग चाइना टाउन से वापस आ गए हैं इस एरिया में जहाँ पे बहुत सारे हाई राइज वगैरह हैं, और यहाँ पे हमारा प्लान है कि फिलहाल कितना 2 घंटे तो यहीं पे घूमेंगे, 2 घंटे टाइम पास करेंगे। नी फिलहाल सो चुका है, चाइना टाउन पे बहुत मजे किए उसने, कलरफुल चीज़ें देखी। अब इधर में हम लोग क्या करेंगे पता है, वॉक करते करते जाएंगे तो सामने एक अच्छा सा वॉकिंग एरिया है, वहाँ पे जाकर वॉक करेंगे। एंड ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे आ रही हवा, उससे अच्छी बहुत अच्छी है, हाँ गुड गुड। ये देखिए ऑलमोस्ट एकदम एंड पे आ गए जहाँ पे देखिए क्रूज वगैरह भी है,
चल चल के बड़ा अच्छा दिया है नी, स्ट्रॉलर लेके भी आप नीचे तक आ सकते हो, है ना, बहुत ही अच्छे से और आराम से आप पानी के सेंटर तक बस चल चल के पहुंच सकते हो। सोचो ऐसे चल चल के, कनेक्टिविटी हर तरह से बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी सी जगह मिल गई है लेटने के लिए। आप यहाँ पे लेट के आराम से, जैसे वो लोग लेटे हुए, लेट करके नज़ारा ले सकते हो। लेट जाऊँगा, हाँ जी, एक बंदा इधर लेट सकता है, एक बंदा इधर लेट सकता है, लेट जाइए, चल चल के थक गए होंगे, लेटिए। नींबू जी तो सो ही रहे हैं, पापा भी सो जाएंगे, सही है। इतनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, हम दोनों ही लेट गए, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, स्टार्स दिख रहे हैं, वाइट क्लाउड्स, मुझे ब्लैक पे ये वाइट क्लाउड्स बहुत अच्छे लगते हैं। नींबू सोकर उठ गया फिर से नई जगह पे। नींबू देखो कितनी सुंदर जगह है, इतने सारे लाइट्स हैं, वाह कितना मस्त है, हाँ बहुत अच्छा है, हर दिन नींबू नई जगह पे सोता है, नई जगह पे उठता है ना नींबू, दिन में चार बार होता है, चार बार होता है। ये देखो कितनी प्यारी जगह है, कहाँ गया नींबू, पकड़ो 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 नींबू, पकड़ लिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर मम्मा, हाय। यहाँ पे देखिए फाउंटेन शो भी हो रहा है, लाइट एंड फाउंटेन शो, वहां पे तब से अलग अलग म्यूजिक बज रही है, फाउंटेन है, बहुत कुछ मतलब अलग अलग चीजें होती रहती हैं। मजा आ रहा है नींबू, इतना हवा चल रहा है, बहुत हवा है, कितना हवा है, ओ हो 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 हो,